हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। और आज हम लेकर आए हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक तरंग बाय अमित पब्लिकेशन से। कौन सा पाठ? पाठ 8, जिसका नाम है मुर्गी का निराला बच्चा। मुर्गी का निराला बच्चा। जी हाँ बच्चों, उपर्युक्त चित्र में आपको कौन कौन से पशु और पक्षी दिखाई दे रहे हैं? ये देखिए, इस चित्र में हमें बहुत सारे पशु भी दिख रहे हैं और पक्षी भी दिख रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं कौन कौन से पशु हैं ये? जी हाँ, ये तो मुझको लग रहा है पशु जिराफ, जिसकी बहुत लंबी गर्दन होती है। तो हमने इस पशु का नाम लिख दिया। और छोटा सा, कितना अच्छा सा कौन है ये? छोटा सा टाइगर। और ये, यानी कि ये भी एक शेर का बच्चा है। और ये क्या है? भालू है। तो कितने सारे यहाँ पे बहुत सारे पशु बने हुए हैं, जिनके हम नाम हमने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए। और पक्षी भी हैं बच्चों, पक्षी भी हैं, जैसे तोता। और कौन सा पक्षी है? कबूतर, कौवा। और ये चील। देखा, तो अब हम यहाँ पे इन सब के नाम लिख देते हैं। चील, कौवा, कबूतर आदि। तो हमने यहाँ पे पक्षियों के और पशुओं के क्या कर दिया? इनके नाम लिख दिए। प्रत्येक प्राणी अपने गुणों और व्यवहार के कारण महत्वपूर्ण होता है, ना कि अपनी सुंदरता से। निराले चूजू में भी अपनी खूबसूरती का घमंड था, जिसके कारण उसको अंत में क्या करना पड़ा? अंत में पछताना पड़ा। आइए इस निराले चूजू की कहानी पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक बड़ी सी मुर्गी ने एक बड़ी सी टोकरी में बहुत सी घास इकट्ठी करी। उस पर बहुत सारे सफ़ेद अंडे दिए। बस दिन रात उन पर बैठना शुरू किया। किसने बैठना शुरू किया बच्चों? मुर्गी ने। 21वें दिन जाकर अंडे खुट खुट कर टूटना शुरू हुए। और हर अंडे में से एक नन्हा मुन्ना बच्चा निकला। हर बच्चा रुई का गोला मालूम होता था। माँ खुश हुई, लेकिन अब भी उसे ज़रा सी फिक्र थी। एक अंडा रह गया था, जिसमें से अभी तक कुछ नहीं निकला था। बेचारी माँ उसको अपने परों से गर्मी पहुँचाती और अल्लाह मियाँ से दुआ मांगती थी कि इसमें से भी एक प्यारा सा बच्चा निकले। पर इस अंडे को कोई जल्दी नहीं थी। 24वें दिन सुबह तड़के अंडे के भीतर से किसी ने खुट खुट करके अंडे को तोड़ दिया। अंडा जो टूटा, तो उसमें से एक प्यारा सा चूज़ा निकला। ये चूज़ा बड़ा ही निराला था। सुनहरा, मुलायम, काली काली मोती जैसी आंखें और तेज़ नुकीली चोंच। प्यार से माँ ने उसे चूज़ू मियाँ, क्या बोला? चूज़ू मियाँ कहती थी। सब उसको इतना लाड़ करने लगे कि वह बिल्कुल इतरा गया, अपने को कुछ खास समझने लगा। फिर एक दिन वह माँ के पास आकर बोला, अम्मा, अब मैं इस टोकरी में नहीं रहूँगा, मैं इस टोकरी में नहीं रह सकता। मैं तो कहाँ जाऊँगा? मैं तो राजा के महल जाऊँगा। सभी भाई बहन चूज़ू मियाँ पर हंसने लगे। माँ ने चूज़ू मियाँ को समझाया, अंडे से निकलने में तो तुमने इतना वक्त लगाया, कुछ पता भी है महल पहुँचने में तुम्हें कितनी देर लगेगी? चूज़ू मियाँ इस बात पर बुरा मान गया और बोला, तो क्या हुआ, मैं हूँ तो खास? फिर अपनी नाक चढ़ाई, पर फड़फड़ाए और चल दिए, जबकि माँ ने मना किया था। लेकिन चूज़ू मियाँ ने नाक चढ़ाई, पर फड़फड़ाए और चल दिए। सड़क के किनारे आग जल रही थी। जब चूज़ू मियाँ उसके पास पहुँचे, तो आग ने कहा, चूज़ू मियाँ, आज मुझे उठने में जरा देर हो गई और मैं तिनके इकट्ठे नहीं कर पाई। जरा अपनी चोंच से दो चार तिनके उठा लाओ, मुझे दे दो, ताकि मैं कुछ देर जल सकूँ। मगर चूज़ू मियाँ ने एक ना सुनी, अपनी नाक चढ़ाई, पर फड़फड़ाए और चल दिया। कुछ दूर चला तो एक छोटा सा चश्मा मिला। बच्चों, चश्मा पानी का चश्मा होता है, जैसे एक पहनने वाला होता है, एक होता है पानी का चश्मा, जहाँ पानी बहता है
तो उसे भी चश्मा बोलते हैं। तो छोटा सा चश्मा मिला जिसका पानी बड़ी मुश्किल से कंकड़ पत्थर पर बह रहा था। पानी बोला, चूजू मियाँ, आज मुझे उठने में जरा देर हो गई और रास्ता साफ नहीं कर पाया, ज़रा अपनी चोंच से दो चार कंकड़ हटा दो ताकि मैं आसानी से बह सकूं। मगर चूजू मियाँ ने एक ना सुनी, अपनी नाक चढ़ाई, पर फड़फड़ाए और चल दिए। आगे बढ़ा तो कंटीली झाड़ी दिखाई दी। बेचारी हवा का दामन इसके कांटों में फंस गया था। चूजू मियाँ को देखकर हवा बोली, अब हवा भी बोली, हवा चूजू मियाँ से क्या बोली, हवा बोली, मियाँ आज मुझे उठने में ज़रा देर हो गई है, जल्दी में मैंने इस झाड़ी के कांटे नहीं देखे और इसमें फंस गई, मेरी मदद करो, अपनी चोंच से ये कांटे हटा दो। मगर चूजू मियाँ ने एक ना सुनी, अपना सिर झटक कर बोला, मैं जल्दी में हूँ, मुझे राजा के महल जाना है, अपनी नाक चढ़ाई, पर फड़फड़ाए और चल दिया। कूदते फांदते राजा के महल में पहुँचा। उसी वक्त बावर्ची राजा के नाश्ते के लिए चूजे को पकड़ने निकला था। उसे चूजू मियाँ को उचकते देखा तो झट से उसे पकड़ लिया और देगची में डाल दिया। देगची क्या होती है, एक बहुत बड़ी सी कढ़ाई होती है, पतीला बर्तन टाइप होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं देगची। तो देगची में डाला और आग पर चढ़ा दिया। चूजू मियाँ ने चिल्लाना शुरू किया, आग दीदी मुझे मत जलाओ। अच्छा तो अब चूजू मियाँ को मेरी मदद चाहिए, आग ने सोचा, लेकिन उसे तरस आ गया और एकदम से आग ने अपने आप को बुझा लिया। चलो आग तो बुझ गई, मगर चूजू मियाँ अब देगची से निकले कैसे बाहर। वह फिर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे निकालो। उधर से हवा गुजर रही थी, उसे भी चूजू मियाँ पर तरस आ गया। अपने एक झोंके से देगची को चूल्हे से गिरा दिया और उसने ऐसे करके गिरा दिया और चूजू मियाँ फिर से बच गए। चूजू मियाँ घबरा कर देगची से निकला और जान बचाकर भागा, मगर देगची की आवाज़ सुनकर बावर्ची दौड़ा। वह चूजू मियाँ की ओर लपका और चूजू मियाँ डर के मारे फिर चिल्लाने लगा, अरे कोई बचाओ। उसकी आवाज़ जब पानी ने सुनी तो एक तेज़ बहाव में चूजू मियाँ को बचाकर ले गया। पानी ने चूजू मियाँ को सीधे घर पहुँचा दिया। टोकरी में बैठे माँ और चूजू मियाँ के भाई बहन उसे देखकर खुशी से खिल उठे। चूजू मियाँ अपने किए पर शर्मिंदा था। वह सोचने लगा, मैं हवा, पानी और आग की मदद कैसे करूं? फिर उसे ख्याल आया, वह मुसीबत में पड़े थे, देर से उठने की वजह से अब इनको क्या करूंगा, ये देर से उठे थे तो अब मैं उन्हें रोज सुबह सही वक्त पर जगा दूंगा। अगले दिन तड़के ही चूजू मियाँ उठा और करारी सी बांग दी। आज तक वह आग, पानी और हवा को जगाने के लिए क्या देते हैं, मुर्गा बांग देता है ना कुकड़ों को, तो बांग देता है। क्या तुम भी चूजू मियाँ की बांग से जगते हो बच्चों? आपको भी आवाज़ आती है जब मुर्गा जो होता है वो कुकड़ों को करता है? तो बच्चों ये थी हमारे आज की कथा, हमारी आज का पाठ, और मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा और आपने कुछ सीख भी सीखी होगी। क्या हमें कभी भी सब किसी के लिए अगर कोई मदद मांगता है तो कभी भी हमें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पर सभी जो है किसी ना किसी को मदद की आवश्यकता पड़ती है। जैसे चूजू मियाँ को पड़ी थी, उन्होंने किसी की मदद नहीं की थी, अपना इतरा कर चल देते थे, लेकिन जब वो मुसीबत में पड़े तो हवा ने भी, आग ने भी, सब ने उनकी मदद करी, पानी ने भी मदद करी। ठीक, और अब हम चलते हैं कठिन शब्द। फिक्र, इतराना, सुनहरा, कटीली, मुलायम, शर्मिंदा, नुकीली, बावर्ची, फड़फड़ाए और कूदते फांदते। और अब क्या है शब्दार्थ? फिक्र का अर्थ है चिंता, दुआएं मांगना यानी प्रार्थना करना, सुनहरा सोने जैसा, मुलायम नरम या कोमल, नुकीला नोकदार, लाड़ का अर्थ है प्यार, इतराना यानी घमंड करना, टोकरी यानी डलिया, नाक चढ़ाना का अर्थ है मुँह बनाना, पर का अर्थ है पंख, चश्मा यानी झरना, कटीली कांटेदार, दामन का अर्थ है पल्लू या दुपट्टा, बावर्ची यानी रसोइया या भोजन बनाने वाला, देगची बहुत बड़ा बर्तन,
शर्मिंदा यानी अपनी गलती मानने वाला, मुसीबत का अर्थ है परेशानी, तड़के यानी सुबह सुबह, और बांग मुर्गे की ऊंची आवाज़, मुर्गा जो सुबह सुबह आवाज़ देता है बांग लगाता है। अब है चूज़ू मियाँ ने हवा से क्या कहा। चूज़ू मियाँ ने कहा मुझे बहुत जल्दी है, मेरे पास समय नहीं है, और उन्होंने अपनी नाक जो थी जो नाक चढ़ाई और पर को फड़फड़ाए और चल दिए। आग ने चूज़ू मियाँ को कैसे बचाया। आग ने चूज़ू मियाँ को, आग खुद बुझ गई, उसने अपने आप को बुझा लिया और इस तरह उसने चूज़ू मियाँ को बचा लिया। कौन सा चूज़ू निराला था और क्यों। सबसे छोटा चूज़ू जो 24 दिन के बाद हुआ था वो सबसे निराला था। क्यों, क्योंकि वो सुनहरे रंग का था और उसकी आँखें काली काली थी और चोंच बहुत नुकीली थी। चूज़ू मियाँ ने किसी की भी मदद क्यों नहीं की, क्योंकि चूज़ू मियाँ को राजा के घर जाने की, राजा के महल जाने की बहुत जल्दी थी, इसलिए उन्होंने किसी की भी मदद नहीं करी। चूज़ू मियाँ महल के सपने देखने लगे तो माँ ने क्या समझाया। चूज़ू मियाँ जब महल के सपने देखने लगे तो माँ ने कहा अरे तुम तो पहले से ही इतनी देर में निकले हो और तुम इतने छोटे हो तो तुम महल तक कैसे जाओगे, महल तक जाने में तुम्हें बहुत समय लग जाएगा क्योंकि तुम पहले ही इतनी देर से निकले हो, अड्डे में से तुम इतने समय के बाद निकले हो, इतनी देर से निकले हो तो तुम महल तक कैसे जाओगे, वहाँ पे तो तुम्हें बहुत देर हो जाएगी, बहुत समय लग जाएगा। तो माँ ने चूज़ू मियाँ को ये समझाया। चूज़ू मियाँ पर उसके भाई बहन हंसने लगे, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है। यस, हाँ, चूज़ू मियाँ पर उसके भाई बहन इसलिए हंस रहे थे क्योंकि जब उसने बोला मैं राजा के महल जाऊंगा तो चूज़ू मियाँ के भाई बहन उस पर हंसने लगे। और बच्चों, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने कभी कोई इस टाइप से बात कही हो और आपके भाई बहन या आपके मित्र आपके ऊपर हंस रहे हो। ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, अपने मम्मी पापा के साथ ये वाली बात ज़रूर शेयर करना। और अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, हमें वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले है चूज़ू आगे बढ़ा तो कटीली झाड़ी दिखाई दी। जी हाँ, चूज़ू आगे बढ़ा तो उसे कटीली झाड़ी दिखाई दी, बिल्कुल सही है। चूज़ू कुछ देर चला तो एक छोटा सा चिमटा मिला। जी नहीं, उसे एक पानी का चश्मा दिखा था, यह गलत है, चिमटा नहीं मिला था। हवा ने चूज़ू से कटीली झाड़ी हटाने के लिए कहा। जी हाँ, हवा ने चूज़ू से कटीली झाड़ी हटाने के लिए कहा, यह भी सही है। चूज़ू को राजा के महल पहुंचने की जल्दी थी। जी हाँ, चूज़ू को राजा के महल पहुंचने की बहुत जल्दी थी, तो ये भी सही है। चूज़ू मियाँ ने नाक चढ़ाई, पर फड़फड़ाए और चल दिया। जी हाँ, चूज़ू मियाँ ने नाक चढ़ाई, पर फड़फड़ाए और चल दिया, तो ये भी सही था। और अब अगला प्रश्न है, वाक्यों को कहानी के अनुसार सही क्रम संख्या दो। तो सबसे पहले 24वें दिन एक प्यारा सा चूज़ू निकला, बिल्कुल सही है, ये पहला नंबर देंगे। चूज़ू मियाँ को राजा के महल जाना था, चूज़ू मियाँ बहुत शर्मिंदा हुए, सभी भाई बहन चूज़ू मियाँ पर हंसने लगे। तो सेकंड नंबर पर है, चूज़ू मियाँ को राजा के महल जाना था और उस जब उन्होंने बोला कि मुझे राजा के महल जाना है, चूज़ू मियाँ ने बोला, तो उसके सारे भाई बहन हंसने लगे, तो हमने इसको नंबर 3 दे दिया। चूज़ू मियाँ बहुत शर्मिंदा हुए, नंबर 4। तो इस तरह से हमने इनको सही क्रम में संख्या में बांट दिया। और अब आ रहा है हमारे पास नया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, बताइए। आग ने चूज़ू मियाँ से क्या विनती की। आग ने चूज़ू मियाँ से कहा कि थोड़ी सी तिनके ला दो, मेरे को उठने में देर हो गई है और मेरे को थोड़े से तिनके ला दो जिससे मैं इस आग को लंबे समय तक जला सकूं। चूज़ू मियाँ किस बात पर शर्मिंदा थे। चूज़ू मियाँ इस बात पर शर्मिंदा थे कि उन्होंने किसी की भी मदद नहीं करी थी, सबने उनसे मदद मांगी थी, आग ने मांगी थी, हवा ने मांगी थी, सबने इनसे मदद मांगी थी, पानी ने मांगी थी, लेकिन चूज़ू मियाँ ने किसी की मदद नहीं करी थी। और सबने चूज़ू मियाँ की जो थी, सबने जब चूज़ू मियाँ को परेशान हुए तो उनकी मदद इन सब ने करी थी, इसलिए चूज़ू मियाँ शर्मिंदा थे। चूज़ू मियाँ ने माँ से कहाँ जाने की जिद की। चूज़ू मियाँ ने माँ से राजा के महल जाने की जिद करी थी। निराले बच्चे को माँ प्यार से क्या कहती थी और क्यों। निराले बच्चे को माँ प्यार से चूज़ू कहती थी क्योंकि वह चूज़ा जो था बहुत ही अलग था, उसके वह सुनहरे रंग का था, उसकी काली काली चमकीली आँखें थी और एक नुकीली चोंच थी, उसको सब बहुत प्यार करते थे, इसलिए माँ उसे प्यार से चूज़ू कहती थी। सबसे पहले चूज़ू मियाँ की मदद किसने की और कैसे की।
सबसे पहले चुजू मियाँ की मदद आग ने की, जब उसे पानी में डाल जब आग में देगची में डालने के लिए पकाया गया था तो आग जो थी अपने आप बुझ गई, जिससे चुजू मियाँ बच गए। सभी भाई बहन चुजू मियाँ का मजाक क्यों बना रहे थे? सभी भाई बहन चुजू मियाँ का मजाक इसलिए बना रहे थे, जब चुजू मियाँ ने कहा मैं तो राजा के महल जाऊँगा, मैं राजा के महल जा रहा हूँ, तो सभी भाई बहन चुजू मियाँ का मजाक बना रहे थे।